Yes, students, very good morning. We do start in 2 minutes. Students, I am trying using a different thing earphone today. So just tell me अगर आवाज clear है कि नहीं है. शायद आवाज थोड़ी कम आ रही होगी अभी. Clear है? अच्छा, great. Still, let's have a poll. थोड़ी कम आ रही है कुछ लोगों को ना. अब देखिए, अब कैसे आवाज आ रही है वो आपको पोल में बताना है. I'll share the screen as well better.
यस, अभी मेरी आवाज कैसे आ रही है स्टूडेंट्स? जस्ट गिव इट इन द पोल. ओके, आई होप यू ऑल कैन हियर मी क्लियर इनफ, एल्स मे बी आई विल नीड टू स्पीक लिटिल लाउडर अदरवाइज. इज माई वॉइस क्लियर स्टूडेंट्स? या इट सीम्स टू बी क्लियर और ओके फॉर मोस्ट ऑफ यू. चलो, ब्रेकिंग साउंड, नो साउंड, ऐसा तो किसी के लिए नहीं आ रहा है. दैट्स अ ग्रेट साइन. वी कैन स्टार्ट टूडेज डिस्कशन. फैंटास्टिक. आई थिंक होमवर्क डिस्कशन भी अभी शुरू करते हैं. यस, वी विल स्टार्ट विद द होमवर्क डिस्कशन. टुडे वी विल स्टार्ट विद द होमवर्क डिस्कशन एंड देन कंटिन्यू द फर्दर पार्ट. वॉइस क्लियर है बट कम है ना? ठीक है, आई विल ट्राई स्पीकिंग लिटिल लाउडर. वापस ऐसा हो जाए, वॉइस कम आ रही है तो जस्ट रिमाइंड करो मुझे, आई विल ट्राई टू स्पीक लाउडर. सो दिस इज द बुक फ्रॉम विच वी हैड आवर होमवर्क. ये जो वर्कड आउट एग्जाम्पल था वो परसों का ही था, राइट? परसों का ही होमवर्क था तो वो आपने किया होगा. उसमें किसी ने कोई डाउट है क्या? पे तो पूछना है मुझे. किसी वर्कड आउट एग्जाम्पल में पहले 8 क्वेश्चंस मैंने दिए थे होमवर्क वर्कड आउट में, परसों जो होमवर्क बोला था उसमें. दीज आर दोज वर्कड आउट एग्जाम्पल्स. एनीबडी हैज एनी डाउट इन एनी ऑफ दिस? नहीं? चलो, दिस थिंग इज क्लियर. फैंटास्टिक. चलो, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड. सो सेकेंड, जय को सेकेंड वाला डाउट है. सेकेंड वाला डाउट, अरे वो था तेरा डाउट, वो हो गया होगा क्लियर ना? कल अपन ने नहीं क्या लिया इलेक्ट्रिक चीजों का? कल ही लिया ना हमने, तो अब वो डाउट नहीं रहा होगा ना बेटा? सेकेंड वाले में तुझे पोटेंशियल का डाउट था, कैपेसिटेंस का डाउट था, वो कल हमने देख लिया. और कल मैंने इन फॉर्मूला से भी ज्यादा शॉर्टकट आपको बता दिया कि एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद करना है. एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद करना है, सॉरी, पावर का. पावर का इन्होंने एनर्जी से निकाला है, हमने पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला याद किया, वी इंटू आई. और उसी पर से हमने वी का आंसर निकाल लिया था आसानी से, और उसके बाद रेजिस्टेंस का भी निकाल लिया था ओम्स लॉ से. एंड देन कैपेसिटेंस के लिए मैंने आपको शॉर्टकट एक बताया था कि आर इंटू सी. आर इंटू सी का टाइम होता है, आर इंटू सी का डायमेंशन टाइम होता है. उससे मैंने आपको बोला था कि आप कैपेसिटेंस का निकाल सकते हो. कल का जो दिशा के 2 क्वेश्चंस थे उसमें भी वो या आया था. वहां पे उन्होंने कैपेसिटी बोला था, वो कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज ही था, मतलब कैपेसिटेंस ही होता है वो. यस, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे स्टूडेंट्स. अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे. गडकर पूछ रहा है सर, इस चैप्टर का वेटेज कितना है? ये ऐसी बात हो गई कि मैथ शुरू होने से पहले ही तुम डर जा रहे हो पिच से, कंडीशन से, अपोजिशन से. ऐसी बात हो गई, कोई वेटेज क्यों पूछना चाहेगा किसी चैप्टर का? Why should you know the weightage? ये चीजें 10वीं तक ठीक है ना? बच्चों के लेवल पे ये बातें ठीक है कि आप वेटेज पूछ रहे हो क्योंकि आपको पढ़ाई कम करनी होती है. अब 11th 12th में वेटेज पूछ के आप क्या करोगे? इसका एक भी क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन आ गया इस कोई भी चैप्टर का, कोई भी चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आ गया आपके जेई या नीट में, तो 4 मार्क्स का सवाल है. और 4 मार्क्स का सवाल है तो आप हजारों रैंक ऊपर नीचे चले जाओगे. अगर आपने गलत किया, किसी और ने सही किया, तो ऐसे दसों हजारों स्टूडेंट्स आपके ऊपर निकल जाएंगे. तो यहाँ पे कंपटीशन इतनी है कि आप बोलेंगे कि सर मैं हाईली वेटेड चैप्टर करूंगा, कम वेट वाले चैप्टर छोड़ दूंगा, तो भाई आप बड़े बड़े ड्रीम्स नहीं रख सकते. बड़े ड्रीम्स रख रहे हो तो हर चैप्टर को करना है. और ये तो शुरुआत है ना, अभी ऐसा नहीं कि आखिरी के दिन आ गए 12th के कि आप पूछोगे कि सर देखो हर चैप्टर तो मेरे से हो नहीं रहा है, तो फिर मैं कौन से छोड़ दूँ, कौन से करूँ, तब बताया जाएगा आपको.
अभी से क्या ऐसा करना, अभी से तो हर चीज पढ़ना ना। हाँ ओम ढमा, डोंट वरी, मैं देख रहा हूँ। जो जो डाउट्स पूछे गए ना, हम कल के सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, फटाफट में सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। चलो ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन, आई थिंक आई विल ओपन वन पीपीटी जहाँ पे हम उसको व्हाइट बोर्ड तरीके से भी इस्तेमाल कर लेंगे। यस, आई थिंक यू ऑल कैन नाउ सी द क्वेश्चन। फर्स्ट वन में कुछ लोगों को डाउट था, मुझे टाइप करके भेजा हुआ था आपने कल ही। मैंने बोला कल क्लास में बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट एंटर द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक फंडामेंटल क्वांटिटी के आपने प्रॉपर्टी ध्यान से अगर आपने क्लास अटेंड किया है, नोट्स पढ़ी है, होमवर्क वाला एनसीईआरटी वगैरह से पढ़ा है, तो आपको समझ आ गया लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज में फंडामेंटल क्वांटिटीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, शुड बी इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे वो डिपेंड नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, दे शुड बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब यहां से कौन से ऑप्शन में आपको एक दूसरे से डिपेंड करती हुई दिख रही है चीजें, देखना। पहले ऑप्शन में देखो, लेंथ और मास एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ और मास एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए तो उनको असली में फंडामेंटल में लिया गया है। अच्छा वेलोसिटी, ऐसे वेलोसिटी होता है, मतलब स्पीड या वेलोसिटी होगा, लेंथ अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब लेंथ अपॉन टाइम होता। लेंथ ऑलरेडी अपने पास है लेकिन टाइम अपने पास नहीं है, पहले ऑप्शन के लिस्ट में टाइम नहीं है, तो टाइम के बदले अपन वेलोसिटी ले सकते थे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन चलेगा, लेकिन सेकेंड ऑप्शन इज कैन नॉट बी फंडामेंटल, सो दिस विल बी द आंसर स्टूडेंट्स। क्यों? देखो वेलोसिटी खुद है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, इजेंट इट? सेकेंड ऑप्शन का समझिए, वेलोसिटी खुद होती है, वेलोसिटी इटसेल्फ इज लेंथ अपॉन टाइम ना, वेलोसिटी इटसेल्फ इज लेंथ अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी खुद लेंथ अपॉन टाइम है तो ये कंप्लीटली डिपेंड हो गई वेलोसिटी बाकी दोनों फंडामेंटल पे, तो फिर इंडिपेंडेंस रहा ही नहीं। ओके, तो वो फंडामेंटल नहीं हो सकता। नेक्स्ट वाला सभी को पता है या? यस, नेक्स्ट वाला सभी को पता है स्टूडेंट्स, दिस वी हैव डन इन द क्लास। उसके नेक्स्ट क्या है? सपोज अ क्वांटिटी एक्स कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ MLT। अच्छा, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। ऑल राइट, द क्वांटिटी मास कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड ना, कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ, बिल्कुल सही है, पहला ही तो ऑप्शन सही लग रहा है स्टूडेंट्स। देखो कैसे एक्स को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, एक्स के डायमेंशन ही है मास रेस टू ए, एल रेस टू बी, टी रेस टू सी। ठीक है, अब हमें चाहिए कि मास को रिप्रेजेंट करना है, तो देखो यही से मास का नहीं क्या आ जाएगा, आप मास को एक साइड ले लो, मास को एक साइड ले लो, लॉज ऑफ इंडाइसेस लगा लो।
जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स। या तो मास को अगर हम एक साइड लेते हैं तो क्या बनेगा, एम रेस टू ए का डायमेंशन बन जाएगा, बाकी सब चीजें अलग साइड में, तो एक्स रेस टू वन बन जाएगा, एल रेस टू माइनस बी बन जाएगा, टी रेस टू माइनस सी बन जाएगा। अब ये मास रेस टू ए है लेकिन आपको सिर्फ मास चाहिए, तो आप क्या ले लोगे, आपको वो स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट वाला लॉज ऑफ इंडेसेस याद आ रहा है, या रेस टू ए है तो ए रूट दोनों साइड पे लेंगे, तो एक्स रेस टू वन बाय ए आएगा, एल रेस टू माइनस बी बाय ए आएगा, टी रेस टू माइनस सी बाय ए आएगा। ये हो गया ना रिप्रेजेंट, ये हो गया ना रिप्रेजेंट। यस और नो? एग्जैक्टली, वेरी गुड प्रतीक कुंभार, प्रतीक कुंभार ने सही जवाब। देखो जब भी आप को ऐसे डिवाइड करना है तो दिस यू कैन डू ओनली इफ ए इज नॉट जीरो। अगर ए जीरो रहा, ए जीरो रहा तो फिर आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, ए जीरो रहा तो आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन क्वेश्चन में बोला है क्या कि ए जीरो नहीं है? नहीं बोला, मतलब ए जीरो हो भी सकता है, ए पे क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन नहीं है, मतलब ए जीरो भी हो सकता है। अगर ए जीरो हो गया तो फिर आप गड़बड़ में आ गए, फिर आप मास को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जो शुरू में लग रहा है आंसर, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको पूरी स्टेप्स करके बताई, ये लग रहा है कि सही है लेकिन जब हम आगे करने गए तो पता चला कि अरे नहीं ये तो गड़बड़ है। ठीक है, अच्छा कैन नेवर बी रिप्रेजेंटेड, ये भी गलत है ना, कभी कभी हो सकता है ना, अगर ए जीरो नहीं है तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो तो अगले ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, आगे ऑप्शंस क्या है। हाँ बहुत अच्छे ऑप्शन है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे ऑप्शन है, ए नॉट जीरो जैसे एग्जैक्ट ऑप्शन दिया ही हुआ है, मे बी रिप्रेजेंटेड इफ ए नॉट जीरो, मे बी रिप्रेजेंटेड इफ ए इज नॉट जीरो, आ रही बात समझ में, और कैसा रिप्रेजेंट हो जाएगा वो हमने निकाल के दिया। ठीक है, यहाँ पे निकाल चुके हैं हम दिस थिंग, दिस इज द आंसर, दिस इज द डिटेल्ड आंसर कि किस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा इफ ए इज नॉट जीरो। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ एक कमेंट है, सिर्फ एक्स इक्वल्स टू जीरो आया तो हम एम नहीं फाइंड, हाँ हाँ वही है करेक्ट परफेक्ट। चलो मुझे चैट बॉक्स पे तो किसी का कोई और कमेंट ऐसा नहीं दिख रहा है कि सर नहीं समझ आया करके, तो हम मानते हैं कि सभी को ये समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यस फोर्थ का आंसर, ठीक है ट्राई करते हैं क्वेश्चन की साइज बढ़ाने का। चलो अब दिख रहा है सबको, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी बताओ, ए ऑप्शन सी ऑप्शन, ए ऑप्शन सी ऑप्शन, कंफ्यूजन है, ऑप्शंस ए और सी दोनों जवाब आ रहे हैं, ओ माय गॉड, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ए क्यों टिक कर रहे हो, ए नहीं स्टूडेंट, सी शुड बी द आंसर। कैन हैव अ यूनिट, क्लास में लिखा दिया था मैंने सॉलिड एंगल प्लेन एंगल का आंसर बता के, उनको हम रेडियन स्टेरेडियन यूनिट देते हैं, प्लेन एंगल को रेडियन, सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन यूनिट देते हैं भले वो डायमेंशनलेस हो। यस ऑल एंगल्स हैव अ यूनिट, बिल्कुल सही, ऑल एंगल्स डू हैव अ यूनिट, परफेक्ट, दो दे आर डायमेंशनलेस दे हैव अ यूनिट, बट यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, है ना,
पहला स्टेटमेंट का मतलब है ऑलवेज हैज जीरो डायमेंशंस, ऑलवेज डायमेंशन लेस होती है, ऑलवेज डायमेंशन यही बोलने का अलग तरीका है फर्स्ट ऑप्शन, है ना। ऑलवेज डायमेंशन लेस मतलब ऑलवेज जीरो डायमेंशन मतलब नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन। चलो अब असली सवाल आता है जिसपे बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे थे। पहली बात स्टूडेंट्स, पहली बात ये इंटीग्रेशन से कुछ डरना नहीं है, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करना है। ये चीज जो इंटीग्रेशन होती है इसको अगर मैं, जिसको पता नहीं है लाइफ में पहली बार ये सिंबल जो लोग देख रहे हैं उनके लिए अभी के लिए शॉर्ट में एक मैं सिनोनिम दे रहा हूं, इनफाइनाइट समेशन, इनफाइनाइट एडिशन, है ना। बहुत आसान वर्ड्स में समझाने की कर रहा हूं, इनफाइनाइट एडिशन ऑफ, इनफाइनाइट एडिशन ऑफ वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, वेरी स्मॉल टर्म्स, लेट अस से वेरी स्मॉल टर्म्स। इसका एग्जैक्ट क्या और डिटेल मीनिंग अपन आगे चैप्टर में पढ़ने वाले, नेक्स्ट ही चैप्टर में, बट इट इज नथिंग बट एडिशन है स्टूडेंट्स। तो एडिशन करने से, एडिशन करने से कभी कोई यूनिट या डायमेंशन चेंज होगा क्या स्टूडेंट्स? नहीं होगा, इससे कोई डायमेंशन में फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात समझ लीजिए, ठीक है ना। मैं अगर किसी सपोज मास में मास ऐड कर रहा हूँ, 10 kg में 3 kg ऐड कर रहा हूँ तो 13 kg आंसर आया, तो आंसर केजी का ही आया, मास का आंसर मास में ही रहेगा, वो कोई अलग चीज नहीं हो जाएगी, टाइम नहीं बन जाएगा या कुछ और नहीं बन जाएगा, एरिया नहीं बन जाएगा, कुछ नहीं। तो इंटीग्रेशन से कोई डायमेंशन चेंज नहीं होने वाला, ये पहली बात, ठीक है। तो ये एडिशन से कभी नो चेंज इन डायमेंशन, नो चेंज इन डायमेंशन, सभी सेम सेम टाइप के क्वांटिटीज को आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, आंसर का डायमेंशन बदलता नहीं है। अच्छा राइट साइड में देखना, साइन इनवर्स पढ़ते हैं इसको, इसको रीड करते हैं साइन इनवर्स, ओके। इसको साइन रेज्ड टू -1 नहीं पढ़ा जाता, ये इंडाइसेस नहीं है, ओके, ये इंडाइसेस नहीं है, ये एक बात, ये रेज्ड टू -1 नहीं है, ये ना इंडाइसेस नहीं है, ये इंडाइसेस इंडेक्स नहीं है, ये एक्सपोनेंट पावर नहीं है, उसी के जैसा दिखता है सिंबल, एकदम रेज टू -1 जैसा ही दिया होता है, लेकिन वो साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स होता है, ओके। तो साइन इनवर्स क्या होता है, शॉर्ट में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा मैं, कि मान लो एक वैल्यू है आपके पास, से यू हैव आंसर ऑफ मान लो x इज इक्वल टू, या है ना, या तो कोई भी नंबर ले लो, जैसे a इज इक्वल टू कुछ नहीं, a यहाँ पे a अलग, अच्छा k है मान लो, कांस्टेंट k इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल, एंड k इज व्हाट, k इज साइन की वैल्यू, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आंसर है के। इसी चीज को हम लिख सकते हैं, इसी चीज को लिख सकते हैं, इफ इफ के इज साइन थीटा, तो मुझे थीटा पर से के निकाला, थीटा एंगल का साइन लेके के निकाला आपने, जैसे कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास होगा, ओके, तो उसके आपने अपोजिट साइड लेंथ ली होगी, उसका आपने हाइपोटेनस लिया होगा और रेशियो लेके आपने साइन थीटा का आंसर निकाला होगा। लेकिन अगर मुझे के दिया हुआ है तो क्या मैं उस पर से थीटा निकाल सकता हूँ? तो निकाल सकते हैं, उसको कहते हैं साइन इनवर्स के, ओके। तो जब साइन इनवर्स के कर रहे हैं तो के जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और थीटा जो है ये एंगल है, लेकिन हम अपने फिजिक्स से बेसिक कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी डायमेंशन लेस होता है और एंगल भी, ये अपने लिस्ट ऑफ डायमेंशन लेस में होते हैं, सो बोथ आर डायमेंशन लेस, ये हम जानते हैं लिस्ट पर से, ठीक है। तो ये जो पूरी चीज है यहाँ पे, ये चीज भी डायमेंशन लेस हो जाएगी, ओके। तो ये चीज भी डायमेंशन लेस हो जाएगी क्योंकि साइन इनवर्स का आंसर जो है वो एंगल आता है, तो एंगल जो है वो डायमेंशन लेस हो जाएगा स्टूडेंट्स। अच्छा जो अंदर की चीज है, अंदर की चीज 1 तो डायमेंशन लेस ही होता है, 1 तो कांस्टेंट है, ये x बाय a भी डायमेंशन लेस होना चाहिए,
एक्स बाय ए भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, एक्स बाय ए भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। जो एक्स बाय ए है वो भी डायमेंशन, क्यों? क्योंकि हमने देखा ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी डायमेंशन लेस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी डायमेंशन लेस होता है। अब आप क्या करेंगे देखना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन मैच करेंगे। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। इक्वेशन में दोनों साइड के डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन में देखना, न्यूमरेटर का डायमेंशन डी एक्स का डायमेंशन, और नीचे किस चीज का डायमेंशन, अंडर रूट ऑफ 2ax - x² का डायमेंशन इज इक्वल टू राइट साइड में किस चीज का डायमेंशन, ए रेज्ड टू एन का डायमेंशन। बस साइन इनवर्स लिखूंगा ही नहीं मैं, क्योंकि ऑलरेडी डायमेंशन लेस है, हम ये बता चुके। अच्छा, एक्स बाय ए का भी कोई डायमेंशन नहीं है, हमने बोला एक्स बाय ए का भी कोई डायमेंशन नहीं है। एक्स बाय ए जो है इसका कोई डायमेंशन नहीं है। एम रेज टू जीरो, एल रेज टू जीरो, टी रेज टू जीरो, ठीक है। देयरफॉर डू यू अंडरस्टैंड डायमेंशन ऑफ एक्स और डायमेंशन ऑफ ए सेम होंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब एक्स और ए सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए, एक्स और ए सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए। इज इट अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, इज इट अंडरस्टूड? एक्स और ए सिमिलर क्वांटिटी, क्या होगा पता नहीं, लेंथ लेंथ होगा, मास मास होगा, एरिया एरिया होगा, मोमेंटम मोमेंटम होगा, टेम्परेचर टेम्परेचर होगा, करंट करंट होगा कि कुछ और होगा, हमें पता नहीं। इस बार क्वेश्चन में नहीं दिया है कि एक्स का डायमेंशन क्या है, ए का डायमेंशन क्या है, नहीं दिया है, लेकिन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। अच्छा, अगर दोनों का डायमेंशन सेम है तो नेचुरली ऑल्सो सेम एज डीएक्स का डायमेंशन, क्योंकि डीएक्स इज नथिंग बट स्मॉल चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज इन एक्स। एकदम मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि नए नए सिंबॉल से इसलिए आपको समझना जरूरी है। क्वेश्चन आसान है, लेकिन जिसको सिंबॉल बेसिक समझ गए उसके लिए आसान है। तो स्मॉल चेंज इन एक्स, तो एक्स का डायमेंशन और चेंज इन एक्स का डायमेंशन कभी अलग नहीं होता स्टूडेंट्स। मास हो या मास में थोड़ा सा चेंज हो, 10 kg का मास 11 kg हो गया, तो 1 kg का चेंज है, तो जो चेंज है उसका भी डायमेंशन ओरिजिनल मास के डायमेंशन जैसा ही होता है। तो क्या आप अब मानते हो कि न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का डायमेंशन सेम हो गया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डायमेंशन सेम हो गया, ये और ये कैंसल हो गया डायमेंशन, ये समझते हो क्या? न्यूमरेटर का डायमेंशन एक्स का डायमेंशन था और डिनोमिनेटर का डायमेंशन भी एक्स का है। नहीं ना सर, एक्स का स्क्वायर है ना वहां पे, अरे स्क्वायर लेने के बाद रूट भी तो लिया है, तो डायमेंशन कैंसल हो गया। कैंसल हो गया मतलब ये भी चीज डायमेंशन लेस हो गई, ये भी चीज डायमेंशन लेस हो गई। देयरफॉर एन की, एन का आंसर क्या आना चाहिए, एन का आंसर 0 आना चाहिए। एन का आंसर 0 नहीं रहा तो राइट साइड को डायमेंशन हो जाएंगे, राइट साइड को डायमेंशन रहेंगे, एन की पावर 0 करेंगे, एन 0 करेंगे तभी राइट साइड भी डायमेंशनलेस हो जाएगी और आंसर मैच हो जाएगा। इज दिस अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नहीं, नॉट अंडरस्टूड। खांडेकर कौन सी स्टेप, गौरव कौन सी स्टेप, विच स्टेप यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग? शुड आई टेक अ ब्लैंक पेज? वंस अगेन आई विल टेक अ पेज, एक्स्ट्रा पेज, ब्लैंक पेज ले लेते हैं और यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। मुझे लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड ही लोग समझना मुश्किल हो रहा है। हाँ देखो, एक्स बाय ए ये डायमेंशन लेस आया, ये बात समझी आपको? एक्स बाय ए डायमेंशन लेस आया, ये बात समझ गई आपको? क्योंकि वो साइन इनवर्स में था, जो भी चीज साइन में, साइन इनवर्स में आती है वो चीज डायमेंशन लेस होगी। देयरफॉर एक्स का डायमेंशन और ए का डायमेंशन सेम होगा। अब देखना बहुत ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, आपको हर चीज समझा रहा हूं, डिनोमिनेटर समझा रहा हूं। देखो डिनोमिनेटर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, 2ax - x² है ना, तो इसमें 2ax का डायमेंशन क्या होगा, ध्यान से देखना,
टू एक्स का डायमेंशन क्या होगा, टू का डायमेंशन, ए का डायमेंशन, एक्स का डायमेंशन। टू को तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, कॉन्स्टेंट ही होता है, टू को तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, लेकिन ए का और एक्स का डायमेंशन इक्वल होगा, ये हमने ऊपर प्रूव किया। ए का और एक्स का डायमेंशन इक्वल होगा मतलब इसका डायमेंशन भी मैं लिख सकता हूँ, ए का सेम एज एक्स है, एक्स का भी सेम एज एक्स बोल सकता हूँ, तो ये भी डायमेंशन एक्स स्क्वायर का डायमेंशन है। तो दिस थिंग आर हैविंग सेम डायमेंशन एज एक्सपेक्टेड। जिन भी चीज का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो प्लीज अंडरस्टैंड, 2x - x² हो उसका डायमेंशन इज सेम एज सिर्फ 2x का डायमेंशन, इज सेम एज सिर्फ x² का डायमेंशन, इज सेम एज सिर्फ a² होता तो उसका भी डायमेंशन, इज सेम एज a * x का डायमेंशन, इज सेम एज अगर कहीं होता हाफ ax का डायमेंशन। ये बात समझ आ रही है क्या? मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सेम टाइप की चीज है तो ये सब डायमेंशन सेम होंगे, ये सभी के सभी डायमेंशन सेम होंगे, जिसको मैं एक अच्छा इजी ले रहा हूँ एज एन x² का डायमेंशन, ठीक है? तो अब व्हाट विल बी डायमेंशन ऑफ √2ax - x² रूट ले रहा हूं तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका रूट लिया तो इसका भी रूट ले लो भाई, तो उसका आ जाएगा √x² मतलब इट इज सेम एज एक्स का डायमेंशन। तो डिनोमिनेटर का डायमेंशन एक्स का है, न्यूमरेटर का डायमेंशन चेंज इन एक्स इज सेम एज एक्स, ओके? ये डीएक्स में, डीएक्स का मतलब बच्चों, डीएक्स का मतलब d * x ऐसा नहीं होता, डीएक्स एक खुद एक सिंबल है एक साथ, डीएक्स डीएक्स का मतलब होता है चेंज इन एक्स, इट इज नॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ d * x, डी मल्टीप्लाइड बाय एक्स ऐसा मीनिंग नहीं होता, डीएक्स का मीनिंग होता है चेंज इन एक्स। तो चेंज इन एक्स का डायमेंशन सेम होगा एक्स के डायमेंशन से। तो अब समझ आया क्या गौरव को, कल्पेश को और जिस जिस चीजों लोगों ने मुझे सवाल नहीं पूछे हैं, नहीं समझा लेकिन पूछते नहीं है, उन लोगों को अब समझ आ गया क्या? यस, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन 0 हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डायमेंशन 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी डायमेंशन लेस हो गई। यही मैंने पिछले पेज पे समझाया कि लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन लेस हो गई, ऊपर नीचे का कैंसल हो गया, इसीलिए राइट हैंड साइड भी डायमेंशन लेस हो जानी चाहिए, इसीलिए राइट हैंड साइड भी डायमेंशन लेस हो जानी चाहिए, ठीक है? लास्ट स्टेप बेटा, लास्ट स्टेप समझाना, न्यूमरेटर चेंज इन एक्स, किसी भी चीज का चेंज, किसी भी चीज का चेंज रहा तो उसका डायमेंशन सेम रहता है खुद के डायमेंशन से। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया चेंज इन मास का डायमेंशन सेम एज मास, ओके? इसको और अलग तरीके से आप करो, जैसे डेल्टा एम करके भी डिनोट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा एम का डायमेंशन रहेगा सेम एज मास का डायमेंशन, ठीक है? चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन विल बी सेम एज वेलोसिटी का डायमेंशन, ठीक है ना? तो डेल्टा डेल्टा करके कभी कभी चेंज डिनोट करते, कभी कभी डी करके डिनोट, तो डी वी मतलब भी चेंज इन वेलोसिटी, तो उसका डायमेंशन विल बी सेम एज वेलोसिटी का। तो वैसे ही चेंज इन एक्स का डायमेंशन विल बी सेम एज एक्स का डायमेंशन। सो हाउ विल RHS हैव डायमेंशन इफ एन इज एनीथिंग अदर देन 0? बिकॉज ए को डायमेंशन है बेटा, यहाँ पे ए कॉन्स्टेंट नहीं है, इस क्वेश्चन में ए कांस्टेंट थोड़ी है, ए को डायमेंशन है। अर्पित मुठा के सवाल का जवाब चैट बॉक्स पे है, अर्पित देख टॉप ऑफ द पेज पे हमने लिखा हुआ है ए को डायमेंशन है, ए यहाँ पे क्वेश्चन में कोई कांस्टेंट नहीं बोला है, अगर कांस्टेंट भी होगा तो डायमेंशन लेस नहीं होगा, डायमेंशन नल कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा तो डायमेंशन नल कांस्टेंट होगा, ठीक है? तो ए को खुद को डायमेंशन होगा जो भी एक्स का होगा, एक्स अगर लेंथ होगा तो ए को भी डायमेंशन लेंथ का हो जाएगा। तो अगर राइट साइड में एन मान लो 2 है तो राइट साइड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर का डायमेंशन हो जाएगा। इज इट क्लियर अर्पित? अर्पित क्लियर है क्या? राइट साइड में अगर एन 2 है मतलब ए स्क्वायर है
तो राइट साइड का डायमेंशन ए स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर हो जाएगा, अगर ए को मैंने लेंथ माना तो, जो भी ए रहेगा, ए मास रहेगा तो मास स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो राइट साइड में पावर जीरो होना जरूरी है, क्योंकि बेस क्या है हमें पता ही नहीं है, बेस का डायमेंशन कुछ भी हो सकता है। चलो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको और एक सवाल यही पे बना के देता हूं। मान लो अगर सवाल में कुछ ऐसा होता, स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन मान लो अंडर रूट ऑफ, जस्ट थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन में, मान लो ऐसा क्वेश्चन होता, ओके ये क्वेश्चन नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन ऐसा नहीं आता, जस्ट डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपको ये दे दिया है, अगर ऐसा कुछ आपको दिया है, ठीक है, और फाइंड एन पूछा हुआ है मान लो, तो फिर आपका सॉल्यूशन आप समझिए कैसे होगा। राइट साइड में मैं आपको और एक क्लैरिटी दे देता हूँ थोड़ी सी। एक्स अपॉन ऐसी चीज में राइट साइड में होता था, एक्स अपॉन क्या होता था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए -1 मान लो ना, ऐसा कुछ है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो अब आपको समझना है इस साइड में किसका डायमेंशन सेम है, एक्स का और ए का डायमेंशन सेम नहीं है, एक्स स्क्वायर बाय ए है तो एक्स स्क्वायर और ए का डायमेंशन सेम है, एक्स और ए का डायमेंशन सेम नहीं है, एक्स स्क्वायर और ए का डायमेंशन सेम है। यहाँ पे भी चेक करना, इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ 2ax³ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x^5 होना चाहिए, 2 का तो कोई डायमेंशन ही नहीं होता, तो डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ एक्स होल क्यूब शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स का होल रेस टू 5। Therefore, dimension of A आपका क्या आ रहा है, डायमेंशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है। आ रही बात समझ में, वहां से देखो यहां से देखो, क्वेश्चन कंसिस्टेंट है ना, सही दिख रहा है ना आपको, ठीक है। सातपुते को समझ आया क्या, अब डायमेंशन जिन जिन चीज को सब्ट्रैक्ट ऐड करते हैं उसके डायमेंशन सेम होने चाहिए। आप ध्यान से देखना, एलएचएस का डायमेंशन क्या है, LHS का डायमेंशन होगा न्यूमरेटर में DX का डायमेंशन, और नीचे अंडर रूट में डायमेंशन किस चीज का, डायमेंशन नीचे x^5 का डायमेंशन, ठीक है। तो ऊपर DX का डायमेंशन सेम एज x का डायमेंशन होता है, ये मैंने आपको बताया, और नीचे क्या हो जाएगा, x^5/2 हो गया। तो क्या आ रहा है आंसर, देखो x^x^ क्या आ रहा है डायमेंशन ना, 1 -5/2 करेंगे तो -3/2 आ रहा है ना, -3/2 आ रहा है, -3/2 आ रहा है। और RHS का डायमेंशन क्या आएगा, RHS का डायमेंशन डायमेंशन ऑफ a^n मतलब डायमेंशन ऑफ a^n आएगा, बट a का है x², तो x²^n आएगा, मतलब x^2 2n आएगा। नहीं, कुछ लोगों ने आंसर निकालने की कोशिश तो, हाँ नहीं, ठीक है, फाइनल आंसर ऑफ n क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों मैच होना चाहिए,
ये दोनों मैच करना है, इनको मैच करोगे तो क्या आ रहा है, देखो -3/2 इज इक्वल टू ट्वाइस एन, देयरफॉर आपका एन आ गया -3/4, इज इट क्लियर? लेफ्ट साइड का राइट साइड का डायमेंशन मैच होना चाहिए, ओके? फाइव बाई टू कैसे आया, देखो डिनोमिनेटर में फाइव है और रूट लिया तो हाफ आता, रूट मतलब पावर हाफ आता है स्टूडेंट्स, रूट मतलब पावर हाफ आता है, ठीक है ना? और नीचे दो चीजों का सब्ट्रैक्शन था रूट के अंदर, दोनों का डायमेंशन सेम है तो सब्ट्रैक्शन का डायमेंशन भी वही आएगा ना, एक्स टू द पावर फाइव। तो पूरी सब्ट्रैक्शन वाली चीज का आंसर है डायमेंशन का एक्स टू द पावर फाइव, और उसका रूट ले रहे तो वो आ गया एक्स टू द पावर फाइव बाई टू, रूट की वजह से बाई टू आ गया, रूट की वजह से बाय टू आ गया। पहली तीन स्टेप रिपीट करो बोल रहे हैं कुछ लोग। देखो स्टूडेंट्स, पहली तीन स्टेप्स में क्या है, पहली स्टेप में क्या है, जो चीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके डायमेंशन सेम चाहिए, जिन चीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उनके डायमेंशन सेम चाहिए, तो मैंने सेम करा दिया। देखो जिन जिन चीज को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो उनके डायमेंशन सेम आने चाहिए, ये पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में क्या, टू को कुछ डायमेंशन ही नहीं है, टू को कुछ डायमेंशन नहीं है, उसको हटा दो, बाकी लोगों के डायमेंशन मैच कर लो लेफ्ट राइट साइड पे। फिर बाद में लॉज ऑफ इंडाइसेस, दरवी, ऐसे सवाल आते रहेंगे तेरे बार बार अगर तू पहले की चीज क्लियर नहीं करेगा तो। लेक्चर टू में पिछले ट्यूसडे को लॉज ऑफ इंडेक्सेस इसीलिए पढ़ाया था, 5 -3 होगा, अब तू सोचते बैठेगा 5/3 क्यों होगा कि क्या हुआ, टू कहाँ से आया, लेफ्ट साइड की चीज मल्टीप्लीकेशन में राइट साइड में डिविजन में जाएगी, डिविजन करेगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 5 -3 टू आ गया। अब समझा एलएचएस, समझा एलएचएस कैसे आया? चलो जिनको थोड़ा स्लो समझ में आ रहा है वो बाद में वापस आपको वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि सेम चीज में 2 बार 3 बार 4 बार तो बता चुका हूं अभी आपको। जिनको स्लो समझ आ रहा है, जरूरी नहीं है कि हर एक को हर चीज सेम स्पीड से समझ में आए, ठीक है ना? किसी को क्रिकेट जल्दी समझ आता है, किसी को फुटबॉल जल्दी समझ आता, किसी को दोनों समझ में नहीं आता तो टेनिस ही समझ में आता, तो जरूरी नहीं है हर सब्जेक्ट हर चैप्टर हर एक को सेम स्पीड से समझ में आए, ठीक है? क्लास में कोशिश रहेगी अपनी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तभी के तभी समझ जाए, अगर किसी को समझ नहीं गया तभी के तभी आप वापस स्लो स्पीड में उसको जाके देखो, क्योंकि हर स्टेप मैंने बार बार बताई है रीजन के साथ, ओके? चलो सेकेंड ऑब्जेक्टिव में मेरे ख्याल से सिर्फ थर्ड क्वेश्चन एज अ डाउट मुझे पूछ रहे थे स्टूडेंट्स ने, पहले दोनों सवाल क्लियर है, सभी को क्लियर थे फर्स्ट टू क्वेश्चंस? ओहो वरुण गोडसे पूछ रहा है, सर लॉज ऑफ इंडाइसेस लेफ्ट साइड में नहीं लगेगा उसमें क्योंकि डायमेंशन अलग अलग है। नहीं बेटा, बेस अलग अलग नहीं है, बेस अलग अलग नहीं है, बेस अलग अलग नहीं है, बेस अलग अलग नहीं है। ऊपर मैंने बना दिया सब सेम, देख ध्यान से देख, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे न्यूमरेटर का बेस dx है, dx का डायमेंशन सेम होता x के डायमेंशन से, dx का डायमेंशन सेम होता x के डायमेंशन से, और डिनोमिनेटर में भी मैंने x के टर्म्स में ला लिया, तो ये स्टेप देख जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ ध्यान से देख, बेस मैंने सेम बना लिया, डायमेंशन ऑफ x जो है उसको मैंने सेम बेस बना लिया, इसीलिए लॉज ऑफ इंडाइसेस लगा। फिर वहां पे जहां जहां मैंने लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज किया है बच्चों, बेस सेम है तभी यूज किया है,
ऊपर देखो 5 माइनस 3, तब भी बेस एक्स एक्स का डायमेंशन बेस था, बेस सेम किए बिना थोड़ी ना लॉज ऑफ इंडाइसेस लगाने वाले वो वाला। उसके बाद भी तो देख, ए टू द पावर एन तो ए का हो गया, और ए का इन टर्म्स ऑफ हमें पता है एक्स स्क्वायर से मैच करता है, हमने ऊपर निकाला हुआ है, तो वो भी मैंने एक्स के टर्म्स में ला लिया ना, अब वो भी एक्स के टर्म्स, अब दोनों दोनों एक्स के टर्म्स में ला लिए तभी मैच कराऊंगा ना, दोनों का बेस तो एक्स के टर्म्स में ला लिया ना मैंने। आरएचएस ए के टर्म्स में था, लेकिन ए के डायमेंशन और एक्स स्क्वायर के डायमेंशन में कनेक्शन है, तो ए का मैंने एक्स के टर्म्स में कर लिया, तो फाइनली सब कुछ मैंने एक्स के डायमेंशन में लाया, तभी तो मैच कराऊंगा, अलग अलग में होगा तो मैच कैसे करेंगे। समझ लगा गोड से। गुड से फिर से पूछ रहा है सर, ए का डायमेंशन है एन और एक्स का डायमेंशन है -3/2, वो कैसे करेंगे। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, नीचे देख ना क्या किया है मैंने। आरएचएस में ए का पावर एन है, तो मैंने ए को एक्स के टर्म्स में लाया ना बेटा, वही तो बोल रहा हूँ बार बार, इसलिए बोल रहा हूँ। जिनको स्लो समझ आ रहा है कोई बुरी बात नहीं है, आप वापस वीडियो को देखो, सेम चीज मैं बता रहा हूँ तुझे, मैं जो बता रहा हूँ वापस तू वही पूछ रहा है मुझे, क्योंकि तू थोड़ा पीछे चल रहा है, इसीलिए अपने वीडियोस में फैसिलिटी होती है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जरूर है जिनको मैं जो बोल रहा हूँ वो भी स्लो लग रहा है, क्योंकि उनको ऑलरेडी समझ आ गया, तो ऐसे के लिए वीडियो में क्या है, वीडियो में आप वीडियो फास्ट स्पीड से देख सकते हैं, वो भी ऑप्शन है, और वीडियो आप जिनको फास्ट समझ नहीं आ रहा है वो स्लो स्पीड में देख सकते हैं, ये भी ऑप्शन है, वापस जाके देख सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। राइट हैंड साइड तेरा सवाल था कि एक्स और ए का है अलग अलग तो मैच कैसे करेंगे, तो बेटा ए को एक्स के टर्म्स में लाएंगे ना, इसीलिए तो मैंने सॉल्यूशन की पहली 3 स्टेप की है, ए और एक्स के टर्म्स में दोनों का क्या रिलेशन है वो निकालना पड़ेगा ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब ये लास्ट इस पे मेरी कमेंट रहेगी इस क्वेश्चन पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स अगर मान लो लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन है, तो ए क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे ए होगा एल स्क्वेर, है ना, ये लेंथ अगर है तो एल स्क्वेर, क्यों, क्योंकि हमने निकाला ए का डायमेंशन है एक्स के डायमेंशन का स्क्वेर होगा, तो यहाँ पे मान लो ए होगा एरिया की वैल्यू और एल होगा लेंथ, लेंथ मतलब डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हाइट डेप्थ लेंथ जो भी हो चीज ना, आप समझते हो ऐसा। संस्कारवाग, हाँ ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं है, हाँ ए का डायमेंशन ये एक्स स्क्वायर के डायमेंशन से मैच हो रहा है, राइट, डायमेंशन सेम है, ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखना जरूरी है, ए और एक्स स्क्वायर की वैल्यू सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन ए और एक्स स्क्वायर के डायमेंशन सेम होना जरूरी है। चलो लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव 2, ऑल क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, करेक्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ऑल क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, की डेफिनेशन ही ये है कि भाई बेस ऐसी जब ले लो कि पूरा फिजिक्स उसमें कवर हो जाए, मैंने बोला था पूरा फिजिक्स कवर हो जाएगा तो सब चीजें आएंगी, इन्हीं को पूरा बेस लेंगे ना, साथ 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 क्यों लिए बेस में, हम 2 से 3 से ही काम चला लेते फिर तो नहीं, बेस क्वांटिटीज का मतलब है सबको मिला जुला के, एवरीथिंग कैन बी डिराइव, ऑल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ दैट, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है।
बेस क्वांटिटी सेकेंड और थर्ड के बारे में एक कमेंट आया था, ग्रुप पे चेक कर लेना, मैंने एक्सप्लेन किया। सेकेंड और थर्ड दोनों करेक्ट है, दोनों सेम ही चीज बता रहे हैं। ओके दोनों सेम ही चीज बता रहे हैं। कोई भी बेस क्वांटिटी लेंगे तो दूसरे में उसका डायमेंशन है। अगर आप मास बोलेंगे, मुझे बोलेंगे कि सर मास है, m फॉर मास है, तो उसको लेंथ की पावर में रिप्रेजेंट करके बताओ। लेंथ की पावर में रिप्रेजेंट करते बताओ मुझे। अरे सोचते ही बैठोगे, लेंथ की पावर में कभी मास नहीं आ सकता है ना, नहीं आ सकता। दैट इज द सेकेंड ऑप्शन टेलिंग। अ बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ अदर बेस क्वांटिटीज। मास को आप लेंथ के टर्म्स में नहीं कर सकते। इवन टाइम ले लो साथ में, टाइम भी मिला लो तो भी मास को लेंथ और टाइम के साथ में कुछ भी कॉम्बिनेशन, कुछ भी पावर दे के नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जो सेकेंड ऑप्शन बता रहे हैं वही चीज थर्ड ऑप्शन मिलजुलती है। सेकेंड थर्ड ऑप्शन सिनोनिमस है, एकदम सेम चीज को अलग अलग वर्डिंग में बता रहे। नहीं रिप्रेजेंट कर सकते मतलब भी उनके पावर्स मतलब डायमेंशंस जीरो होंगे। बेटा एंगल बेस क्वांटिटी नहीं है, एंगल बेस क्वांटिटी नहीं है। अर्पित का सवाल, एंगल बेस क्वांटिटी नहीं है, एंगल का कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो रिप्रेजेंट करने का सवाल ही नहीं है। एंगल बेस क्वांटिटी भी नहीं है, डिराइव भी नहीं है, एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में से आता है जिसको डायमेंशन ही नहीं है। क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू प्रणव नीलकंठ कदम जय के सवाल का जवाब देने के लिए। चल आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एनी डाउट्स फ्रॉम एक्सरसाइज? एक्सरसाइज इन द सेंस यहाँ पे, इसमें से किसी को कोई डाउट आया? 1 2 3 10वां क्वेश्चन डाउट है। ईशा 10th, अरे ईशा जो मैंने होमवर्क दिया पहले उसमें से पूछो ना। हाँ कल आपने पूछा था तो ग्रुप पे मैंने फॉरवर्ड कर दिया था। बहुत लोगों के जो पर्सनली सवाल आते हैं, मुझे लगता है कि अगर अच्छा है तो मैं ग्रुप पे फॉरवर्ड करके उसको जवाब देता हूँ कि हम क्या डिस्कस करेंगे, कब करेंगे। तो 10th भी मैंने ग्रुप पे डाल दिया था, तो कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा। इसका अच्छा सोल्यूशन मैं आपको, आई थिंक अगेन किसने, किसी तो स्टूडेंट ने, आई थिंक रजिया ने सुबह से अगर सेंड किया हुआ है ना, तो आई जस्ट फॉरवर्ड इट। परफेक्ट है, ग्रुप पे मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, देर किस बात की, अभी फॉरवर्ड नहीं, ठीक है बाद में करता हूँ। मैंने व्हाट्सएप चालू नहीं किया यहाँ पे, बाद में फॉरवर्ड करता हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भार्गवी को पूछना है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्वेश्चन नंबर 4 में है, 6 में है डाउट्स, और 16 में। ऑल राइट स्टूडेंट्स, लेट अस डू दैट। 4 6 16 में डाउट्स है। लेट अस हैव ब्लैंक पेजेस, लेट अस कम टू क्वेश्चन 4। 4 में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, 4 में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, उसका दिया हुआ है आपको फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट चौथे क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है, पहला क्वेश्चन उसमें से जो है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज क्यू इंटू डी, ऐसा फॉर्मूला आपको दिया है। तो स्मॉल पी नोटेशन यूज किया है, उसका डायमेंशन आप ऐसे लिखोगे स्टूडेंट्स। चार्ज का डायमेंशन सबको याद है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? एम में कुछ नहीं आएगा, लेंथ में कुछ नहीं आएगा, टाइम इंटू करंट होता है, टाइम इंटू करंट होता है। और डी है डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस होता है। क्या डाइपोल क्या होता है आपको ट्रेलर बता देता हूँ। डाइपोल मतलब दो पोल, दो पोल मतलब क्या, एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज, ऐसे दोनों है स्पेस्ड एट ए डिस्टेंस डी, तो इसे कहते हैं डायपोल। डायपोल डायपोल मतलब दो अपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे है, दोनों को मिला जुला के डायपोल कहते हैं। तो डी डिस्टेंस है मतलब उसका डायमेंशन एल टू द पावर 1 हो गया। तो आंसर क्या आएगा, m टू द पावर 0, l पावर 1, t पावर 1, a पावर 1। इज इट ओके? क्वेश्चन नंबर 4 पूछने वालों, इज इट ओके? यस, करेक्ट आंसर्स को लोगों ने टाइप किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 टाइप करके पूछने वालों, इज इट ओके? क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर सिक्स का बी। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन क्वेश्चन नंबर सिक्स का बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स का बी, जैसे फोर का ए डाउट था, सिक्स का बी डाउट है। एल टी इज इक्वल टू एल नॉट इंटू वन प्लस अल्फा इंटू टी टू माइनस टी वन, ये है सवाल, ये है इक्वेशन, ओके, ये है इक्वेशन। तो इसके सब दोनों साइड पे डायमेंशन लेंगे स्टूडेंट्स। देखो एल का, एल टी और एल नॉट दोनों लेंथ है, लेंथ है मतलब सेम डायमेंशन है स्टूडेंट्स, दे आर हैविंग सेम डायमेंशन। अगर दोनों के सेम डायमेंशन है तो कैंसल हो जाएंगे दोनों साइड पे, तो ये जो चीज बचेगी ये चीज डायमेंशन लेस होनी चाहिए, ये बात समझी क्या? देखो ये चीज डायमेंशन लेस होनी चाहिए क्योंकि बाकी दोनों साइड जो है, बाकी जो बचा है एल एल कैंसल हो जाएंगे दोनों के डायमेंशन। जो जब डायमेंशन में लूंगा ये पूरे ब्रैकेट के, तो वो डायमेंशन लेस हो जाएगा। अच्छा डायमेंशन लेस हो जाएगा, इट्स ऑल राइट, डायमेंशन लेस हो जाएगा, लेकिन हम तो ऑलरेडी जानते हैं कि वन कॉन्स्टेंट है, तो वन भी तो डायमेंशन लेस होता ही है, कोई नई बात नहीं है वन। तो जो बची हुई चीज है प्लस करके जो कुछ है ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, जो जो चीज ऐड करते वो भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो पूरी चीज भी डायमेंशन लेस है, पूरा ब्रैकेट बड़ा भी डायमेंशन लेस था, वन भी डायमेंशन लेस था, और अल्फा इंटू समथिंग जो है वो भी डायमेंशन लेस है। तो अल्फा इंटू क्या है, चेंज इन टेम्परेचर बोल दो मैं, टी टू माइनस टी वन को डेल्टा टी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। डेल्टा मतलब चेंज, सेकेंड टेम्परेचर माइनस फर्स्ट टेम्परेचर, तो ये चीज का डायमेंशन नहीं होना चाहिए, मतलब ये एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ओके, टेम्परेचर है यहाँ पे तो के भी आ जाएगा केल्विन, वो भी जीरो क्योंकि डायमेंशन लेस है। अच्छा तो अल्फा का डायमेंशन इंटू डेल्टा टी का डायमेंशन मतलब चेंज इन टेम्परेचर का डायमेंशन के रेस टू वन होगा, है ना, ये होना चाहिए डायमेंशन लेस, जीरो 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 जीरो, इसीलिए अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये चीज वहां डिवाइड होके शिफ्ट हो जाएगी, तो के रेस टू माइनस वन, ठीक है, इन अवर शॉर्टकट वर्ड्स इट विल बी जीरो 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 माइनस वन। यहाँ माइनस वन एम्पियर का नहीं है, केल्विन का है, टेम्परेचर वाला है, परफेक्ट, चलो फैंटास्टिक, बहुत लोगों को समझ गया था क्लास में, जो कुछ स्टूडेंट्स को थोड़े लोगों को नहीं समझा था उन्होंने पूछ लेना, अच्छी बात थी, हमने समझा दिया है, उनके पास स्टोर्ड रहेगा, जिनको स्लो समझा वो वापस जाके देखेंगे। 16th क्वेश्चन, 6 का ए भी चाहिए बेटा, 4 का ए आया तो 4 का बी भी आ जाएगा, 4 का ए आया तो 4 का बी आने में को थोड़ी ना प्रॉब्लम जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू, वो तो इजीएस्ट सवाल है, ऐसे बच्चों जैसे सवाल क्यों पूछ रहे हो बेटा, एरिया का डायमेंशन नहीं जानते क्या आप? एरिया का डायमेंशन एल एल स्क्वायर होता, आई का डायमेंशन करंट होता, दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दो ना। सिक्स्थ, सिक्स्थ का फर्स्ट, सिक्स्थ का फर्स्ट में मैंने हिंट देती एनर्जी है, सिक्स के फर्स्ट जो पूछ रहे हैं उनको मैंने हिंट देती थी क्लास में ही, क्लास में नहीं आई मीन ग्रुप पे हिंट दी हुई थी। तो फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, आपको सी का डायमेंशन चाहिए तो सी हो जाएगा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, क्विक क्विक डायमेंशन लगाओ, सी का डायमेंशन विल बी क्यू का डायमेंशन अपॉन एम इंटू डेल्टा टी का डायमेंशन। ध्यान देना यहाँ पे क्यू चार्ज नहीं है, यही मेन हिंट थी आपके लिए, क्यू एनर्जी होता है इस सिंबल में, हीट एनर्जी को भी क्यू सिंबल होता है, तो क्यू इज हीट एनर्जी, हीट एनर्जी है तो फिर, हीट एनर्जी है तो फिर क्या होगा, हीट एनर्जी है तो उसका सिंबल होगा, उसका डायमेंशन हो जाएगा वन टू माइनस टू, एनर्जी का जो होता है वो वन टू माइनस टू, और यहाँ पे वन टू माइनस टू, और नीचे मास का हो जाएगा वन जीरो जीरो, मास का हो जाएगा वन जीरो जीरो, और डेल्टा टी टेम्परेचर आने की वजह से वन हो जाएगा, वन फॉर टेम्परेचर,
वन फॉर टेम्परेचर। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, वन वन मास मास का कैंसिल हो गया, 0, 2, -2, -1। आई होप दिस इज क्लियर, वेयर लास्ट वाला -1 इज फॉर केल्विन। ओके, केल्विन रेज टू -1। सोलह नंबर का क्वेश्चन मैंने दिया था होमवर्क में स्टूडेंट्स, क्यों पूछ रहे हो बेटा? जो होमवर्क में नहीं था वो अगले होमवर्क में आएगा, अभी वो पढ़ाना बाकी है, डायमेंशनल एनालिसिस के डिटेल पढ़ना हमारे बाकी है। क्वेश्चन नंबर 3 का C, 3 का C कहाँ है? 3 का C कल क्लास में नहीं क्या किया हमने? उन्होंने फॉर्मूला अलग दिया है, ठीक है, उन्होंने फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले रहते हैं हर चीज के, बहुत सारे फॉर्मूले रहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, हर चीज के बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। जैसे फिजिक्स में फोर्स के कितने सारे फॉर्मूले, कल मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, कितने अलग अलग फॉर्मूले बने, लेकिन फोर्स का डायमेंशन सेम रहता है। वैसे आप दुनिया के बहुत अलग अलग फॉर्मूले ला सकते हैं जिसमें म्यू नॉट आएगा, परमिएबिलिटी, लेकिन उससे म्यू नॉट के डायमेंशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, आप दुनिया के कोई भी फॉर्मूले से निकालेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो आपको तो मैंने तो रिमेम्बर करवा दिया था कल, तो आपको तो 3 का C सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपने डायरेक्ट आंसर लिखना है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, HCV का डिस्कशन क्लियर, वी विल गो टू हम जहां पे थे कल परसों, ये सब होमवर्क डिस्कशन करने से पहले उस चीज पे आते हैं। वी वेर एट समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, हमने अलग अलग क्वांटिटीज जिनके सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है ये देखे थे। अच्छा एक और डाउट बच गया, दिशा वाला डाउट बच गया ना, चलो उस पर भी आता हूँ मैं, कुछ टाइम बाद आता हूँ, डोंट वरी। यस, एंगुलर स्पीड का बहुत लोगों ने चैट पे पूछा, मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये कुछ दिन पहले मैं बता चुका हूँ, एंगुलर स्पीड मतलब ही एंगुलर वेलोसिटी बता चुका हूँ। ओके, जो लोग लेट ज्वाइन करते हैं, एब्सेंट रहते हैं, उन लोगों ने पहले वीडियो देखने हैं पहले के। सो दिस इज वेयर वी वेयर टिल लास्ट क्लास, थ्योरी डिस्कशन में हम यहाँ तक थे। ऐसे बहुत एग्जांपल आएंगे सेम सेम वाले, ठीक है। ये भी आप लोग जानते हो, इसका सेम डायमेंशन रहता है। कुछ लोग सोचेंगे सर मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, ये टॉर्क का ही सिनोनिम है, टॉर्क का दूसरा नाम है, टॉर्क की डेफिनेशन है बोलेंगे तो चलेगा, टॉर्क इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है अभी मत पूछो, वो टॉर्क वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे हम। बेसिकली कपल भी फोर्स ही होते हैं, दो फोर्स होते हैं, कपल मतलब दो लोग, दो अपोजिट फोर्सेस को कपल बोलते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स हो, मोमेंट ऑफ कपल हो, टॉर्क जैसी चीज है, उनके डायमेंशन वर्क और एनर्जी से मैच होते हैं। करेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। होमवर्क में भी था, टॉर्क इज नथिंग बट आर इंटू एफ जैसा होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस जैसा होता है, तो वो नेचुरली वर्क से मैच करता है, एनर्जी से मैच करता है डायमेंशन। ये चीज आप लिखो नहीं, पीपीटी आपको मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट वीडियो से निकाल सकते हो, ये बहुत चीजें आपको अननोन रहेगी, बहुत चीजें आपको अननोन रहेगी, बहुत चीजें आपको इसमें से अननोन रहेगी। जैसे आप पूछोगे ये सब चीजों का मीनिंग क्या होता है, फोर्स कॉन्स्टेंट का मीनिंग लिखो नहीं स्टूडेंट्स, फोर्स कॉन्स्टेंट का मीनिंग क्या होता है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का मीनिंग क्या होता है ना, ये सब चीजों का मीनिंग क्या होता है, सरफेस टेंशन का, तीनों को मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, तीनों की तीनों चीजें, तीनों की तीनों चीजें, इन शॉर्ट इट इज फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ जैसी आती है, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ आती है, तो फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ ये एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया से मैच होगा, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे चार चार चीजें दी है जिनका डायमेंशन मैच हो रहा है। आप सब जानते हो फोर्स बाय लेंथ मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स अपने के लिए डायमेंशन क्या है, फोर्स का डायमेंशन हमने याद करा है 1, 1, -2,
डिवाइडेड बाय लेंथ है तो 010, तो नेचुरली आंसर क्या आएगा, 10-2, वही दिया हुआ आंसर 10-2. वेरी गुड, प्रथमेश शिंदे ने टाइप किया. अच्छा, वॉइस थोड़ी लो आ रही है. ऑल राइट ठीक है, आई ट्राई टू स्पीक लिटिल लाउडर और क्लोजर टू द माइक. आई होप इट इज बेटर नाउ. चलो, मिस्टेक है इस पेज पे. क्या आपने मिस्टेक पकड़ी? अगला जो मैंने डिस्प्ले किया उसमें मिस्टेक है, कोई बताएगा जल्दी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है? यस, नहीं, टाइम में कोई मिस्टेक नहीं है, टाइम में कोई मिस्टेक नहीं है. कहाँ मिस्टेक है? एल टू द पावर प्लस टू होना चाहिए. वेरी गुड, एल टू द पावर माइनस टू नहीं होता, प्लस टू होता. ठीक है, कुछ लोग पूछ रहे हैं एंगुलर इम्पल्स क्या है. अभी आपको ये कोई टर्म नहीं पता स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम भी नहीं पता, एंगुलर इम्पल्स भी नहीं पता. तो अभी रुक जाइए, आप इसको नहीं पता आपको, तो कोई टेंशन नहीं लीजिए. बस इतना आपको याद है, पिछले पेज पे मोमेंटम और इम्पल्स का सेम था. तो जैसे मोमेंटम और इम्पल्स का सेम है, वैसे एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर इम्पल्स का भी सेम होगा. एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर इम्पल्स का भी सेम होगा, जो कि प्लैंक कांस्टेंट से मैच कर रहा है. बस इतना याद रखिए, फॉर्मूला आएगा तब आप समझ जाओगे. वैसे बता दूं थोड़ा सा, जैसे इम्पल्स आपको याद आ रहा है फोर्स इनटू टाइम था, वैसे एंगुलर इम्पल्स होता है स्टूडेंट्स टॉर्क इनटू टाइम. टॉर्क इनटू टाइम इसका फॉर्मूला होगा, फोर्स इनटू टाइम के बदले टॉर्क इनटू टाइम इसका फॉर्मूला होगा. और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, एम वी आर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस, ऐसा बोल सकते हैं, एम वी आर. तो आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, आप घर पे चेक कर ले सकते हैं कि ये बात सही है करके, कि प्लैंक कांस्टेंट से वो मैच कर रहा है. इतनी सारी चीजें देखो, फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स, आप सबको पहली दो चीजें पता थी, फ्रीक्वेंसी है टाइम का रेसिप्रोकल होता तो उसका टी रेस टू माइनस वन है. एंगुलर वेलोसिटी भी वही होता है डायमेंशन में. ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी समझते हो, मैंने आपको समझा दिया था, ग्रेडियंट मतलब डिस्टेंस से डिवाइड होता है, मतलब वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस करेंगे तो आपका लेंथ लेंथ कैंसिल होके टाइम रेस टू माइनस वन ही बचेगा. ओके, और रेट में भी टाइम से डिवाइड होता है, डीके कांस्टेंट वगैरह, ये जो चीजें हैं ये रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में आएगी. दिस थिंग, ये जो लास्ट दो चीजें हैं, दैट इज इन द चैप्टर बाय नेम रेडियो एक्टिविटी, दिस इज इन द चैप्टर बाय नेम रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिविटी, ये सब आएगा मॉडर्न फिजिक्स में, अपने सिलेबस के बहुत एंड में, अगले साल के एंड में आएगा ये. ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस पे सवाल आपको दिशा में भी दिखेगा, एचसी में भी दिखेगा, बहुत सारे बुक्स में दिखेगा. आपको स्ट्रेस तो मैंने बता दिया था एक क्लास में, स्ट्रेस का और प्रेशर का डायमेंशन सेम आता है करके, और प्रेशर का आपको निकालना आता है फोर्स अपॉन एरिया. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी सेम होता है, ये एक नई इन्फॉर्मेशन याद करते हैं. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग होते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको बुक्स में ये वर्ड दिखेंगे, कहीं कहीं आपको वर्ड दिखेगा यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस वर्ड दिखेगा तो समझना है आपको कि वो भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है. कहीं कहीं आपको बल्क मॉड्यूलस वर्ड दिखेगा तो भी समझना है कि वो चीज सेम है, बल्क मॉड्यूलस. कहीं कहीं पे आपको वर्ड दिखेगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये सब अलग अलग एग्जाम्पल्स है, टाइप्स है रादर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के. तो ये कहीं पे भी ऐसा मॉड्यूलस मॉड्यूलस वर्ड दिखा आपको, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये सब का डायमेंशन प्रेशर के मतलब स्ट्रेस के डायमेंशन से मैच होगा. आप स्क्रीनशॉट निकाल ले सकते हो बाद में इसका, बहुत बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको आ रही है यहाँ पे.
ये रिपीट हो गया स्टूडेंट्स, उनका पहली चीज रिपीट हो गई, एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट, वो देख चुके हैं हम, ठीक है। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो, है ना, मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया था कल, इजीएस्ट था, एफ इज इक्वल टू चार्ज, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे हमने कल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकाला था, 1 1 -3 -1, और पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट नाम से समझ में आ रहा है आपको, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस करके देखना आप, पोटेंशियल भी हमने क्लास में किया हुआ है, आप करके देख लेना, ये उसका सेम आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी रिपीट हो गया स्टूडेंट्स, ये भी रिपीट हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज भी रिपीट हो गई, पिछले पेज पे आ गई थी। हाँ, सरफेस एनर्जी वर्ड एक कंफ्यूजिंग है, मैं उसको कट कर रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड कंफ्यूजिंग है। सरफेस एनर्जी डेंसिटी रादर वहां होना चाहिए रहता है, बट कई बुक सरफेस एनर्जी लिखते हैं। मैं जो चीज कंट्रोवर्शियल है, कंफ्यूजिंग है, वो उस चैप्टर में जब आएगा बता दूंगा, अभी कंफ्यूजन बढ़ाओ मत आप, ऑलरेडी कितनी नई नई टर्म सीखने को मिल रही है, तो कंफ्यूजिंग टर्म्स, कंट्रोवर्शियल चीजों पे मत जाओ, अभी बताऊंगा मैं जब आएगा तब। ये भी मैं कल आपको बता चुका था ना, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही होता है स्मॉल जी, स्मॉल जी होता है, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नेचुरल बात है कि वो एक्सेलरेशन से मैच कर रहा था, नेचुरल बात है कि वो एक्सेलरेशन से मैच कर रहा था। अब मतलब मुझे देखने दीजिए कमेंट्स में, कमेंट्स में किसी ने कोई सवाल पूछा है क्या इससे रिलेटेड, चैट बॉक्स पे एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस पेज, मॉडुलस ऑफ, हाँ क्षितिजा मोरे, यस, चलो सबको सब क्लियर है लग रहा है, वी आर द वे वी आर गोइंग, यस यस यप, फोर्स वेट, ये तो मैंने आपको बता दिया था पहले दिन में, हम ना जब याद कर रहे थे, 2 3 4 दिन पहले की बात है, हम याद कर रहे थे जब, तो फोर्स का तो मैंने बताया था, फोर्स ही सेम एज वेट है ना। यहाँ पे और एक चीज आप ऐड कर सकते हो, टेंशन मैंने आपको लिख दिया था एटसेट्रा। इन्होंने और एक चीज कर दी, एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट मतलब भी आप समझते हो, एनर्जी बाय डिस्टेंस, एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो ये भी आपका मैच कर जाएगा, इट्स इजी टू चेक आउट, आप लोग कर लोगे। ये भी रिपीट है, लेंथ लेंथ है, सब लोग पता है। चलो आते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं कितने लोग जवाब सही देते हैं। नहीं दे पाओगे इसका जवाब स्टूडेंट्स, नहीं देना एक्सपेक्टेड है ये सवाल का जवाब, ये सवाल का जवाब देना एक्सपेक्टेड आपको नहीं है, मुझे कुछ हिंट देनी पड़ेगी क्योंकि आपको ये टर्म नहीं पता है फिर से कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। बट मैं आपको ये बता दूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी चीज होती है, अच्छा एक बार तो मैं आपको उसको फॉर्मूला बता देता हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के करके डिनोट किया जाता है, विच इज नथिंग बट इप्सिलॉन ऑफ अ मटेरियल डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, मतलब सेम सेम चीज का रेशियो है, सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब मैं आपसे आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ इसका, बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ मैं आपसे इसका आंसर एक्सपेक्ट, आपको 30 सेकेंड दिए जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ 30 सेकेंड्स।
वेरी गुड, मेजॉरिटी परफेक्ट आंसर डायमेंशन लेस रहेगा, इट विल बी डायमेंशन लेस। दो सेम चीजों का रेशियो है तो इट मस्ट बी डायमेंशन लेस, तो स्ट्रेन से मैच करेगा। स्ट्रेन भी डायमेंशन लेस होता है, हमने लिस्ट में लिखा हुआ था। तो डायमेंशन लेस परफेक्ट आंसर। चलो इस सवाल को मैं आपको बहुत टाइम देने वाला हूं। कितना टाइम? आपके पास एचसीवी का नोट्स है, कल का होमवर्क है, होमवर्क नोट्स सबकी हेल्प लीजिए, सब चीजों की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। पूरा 2.5 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, 2.5 मिनट, 2.5 मिनट्स। कैन यू सी द स्क्रीन स्टूडेंट्स? क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? अब क्वेश्चन दिख रहा है ना? यू कैन सी द क्वेश्चन राइट? चलो नो, नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन, नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कांट यू? नहीं, पोल नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन दिख रहा है ना बच्चों? ना, सरप्राइजिंग। ठीक है, मैं पोल को कैंसिल कर दूंगा, पोल को कैंसिल कर देता हूँ स्टूडेंट्स, पोल को कैंसिल करता हूँ, फिर से पोल लेंगे हम। क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है, मैं रीशेयर स्क्रीन कर रहा हूं और एक बार, कुछ लोगों को क्वेश्चन नहीं दिख रहा है इसलिए। अब दिख रहा है? कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? अब दिख रहा है ना? ठीक है, ग्रेट। अब से मैं आपको पूरे 2 मिनट देता हूं। अच्छा, पहले वाला पोल चल रहा है, पहले वाला पोल चल रहा है, ठीक है, उसको कैंसिल होने देते हैं। आप लीजिए स्टूडेंट्स, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, थिंक अबाउट द क्वेश्चन। सरप्राइजिंग यार, स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है? कितने लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही? विजिबल है ना यार, देखो मैक्सिमम लोगों को विजिबल है, कुछ लोगों को विजिबल नहीं है। आप नेट कनेक्शन चेक कीजिए स्टूडेंट्स। पोल नहीं आ रहा है, डोंट वरी, पोल नहीं आ रहा है, आ जाएगा। आप अपना आंसर निकाल के रखिए, आप अपना आंसर निकाल के रखिए बस, ठीक है? आप अपना आंसर निकाल के रखिए, स्क्रीन दिख रही है, आप आंसर निकाल के रखिए, बाकी टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, अब आ रहा है पोल स्टूडेंट्स, अब पोल आ रहा है और आपको क्वेश्चन स्क्रीन भी दिख रही है, पोल भी आ रहा है, अब स्क्रीन भी दिख रही है।
ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ लोगों को पोल नहीं दिखा था। पहली बार में जब पोल आया था, जिनको दिखा था, फास्टेस्ट आंसर ओंकार पवार, अर्पित गोसावी, राघव, अभी विराज, अबोली, ज्ञानेश्वरी कांटे, ईशा, समृद्धि, वरुण, गौरव। चलो, जिन जिन को पोल दिख पाया था सही तरीके से, उन्होंने इस बार मेजॉरिटी आंसर मेरे हिसाब से सही लाया है। चेक करते। अच्छा, इन्होंने तो सोल्यूशन ही कुछ नहीं दिया है अभी। सो वी विल हैव टू चेक स्टूडेंट्स। एनर्जी सबको याद है, उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं जाना चाहिए। हाँ, क्या चीज है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कल के होमवर्क में था आपके, एचसीवी के। उसका फॉर्मूला दिया हुआ था, उस हिसाब से उसका डायमेंशन आता 120। और एनर्जी का क्या आता है? एनर्जी का डायमेंशन आता है 1, 1, -2। तो जब प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 और 2। 1 मिनट, एनर्जी का 1, 2, -2, फोर्स नहीं है, एनर्जी। एनर्जी 1, 2, -2, 2, 4, -2, 2, 4, -2। अच्छा, लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर क्या होगा? देखो, लीनियर मोमेंटम होता है केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड है ना, केजी मीटर पर सेकेंड। इसका हम स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2, 2, -2। लेकिन एंगुलर मोमेंटम आज हमने देखा 1, 2, -1, प्लैंक कांस्टेंट के जैसा है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ गया ना 2, 4, -2। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेचुरली ये चीज है 1, 2, -1, और ये भी चीज है 1, 2, -1, तो वो आंसर नहीं है, सेकेंड ऑप्शन आंसर है। चल ठीक है, आ रही ना बात समझो। सुनो, सब कैसे सवाल पूछे जाते हैं, आई थिंक अब आप लोगों को समझ आ रहा है। ये सवाल एकदम इजी भी नहीं था। ये एकदम बराबर जेई लेवल का या नीट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा आपको सोचना है, थोड़ा कुछ याद भी है, रहना है, हेल्पफुल है, थोड़ा सोचना भी है, थोड़ा कैलकुलेशन भी करना है ना, और ऑप्शन भी हर एक एक ऑप्शन से चेक करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन में आंसर दिख गया, नहीं, ऑप्शन के भी डायमेंशन आपको निकाल के। इट्स एन इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन, राइट? सेकेंड ऑप्शन एक्सप्लेन करो सर। किया है मैंने एक्सप्लेन, साइड में बेटा देख, एंगुलर मोमेंटम अभी लिस्ट पे आया था थोड़ी देर पहले, उसके डायमेंशन आपको याद होने चाहिए, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट से मैच करते, तो 1, 2, -1। अगर आपको वो याद नहीं है तो टाइम ज्यादा जाएगा जब वो चैप्टर आएगा। तो अब एंगुलर मोमेंटम MVR मैंने बोला था, जिसको याद नहीं हो MVR कर ले पहले। MVR करके m का मास और स्पीड इनटू r कर दो, तो आपको ये चीज पता चल जाएगी। MVR पर से ये आ जाएगा बेटा, और फिर उसका स्क्वायर करना है, तो आपका आंसर आ रहा है, मैच कर रहा है, मतलब सवाल के इससे मैच कर रहा है, तो आप वो टिक करेंगे। ठीक, कॉन्सेप्चुअली स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है, बहुत लोग पूछ रहे थे मुझे कुछ दिनों से, और हमने वो थोड़ा समझ भी चुके हैं, यूज भी कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इट एंड यूजिंग इट। क्या है प्रिंसिपल? कि अगर कोई चीज ऐड की, सब्ट्रैक्ट करी, इक्वल किया, तो उनके डायमेंशन सेम होते हैं, सेम होते हैं। ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लिख लो एज अ थ्योरी, लिखना है ये चीज, लिख लीजिए, यहाँ पे डायमेंशन होना चाहिए। जब भी किसी को ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, इक्वेट करे, तो उनके डायमेंशन इक्वल होने चाहिए, उनके डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए। हमने आज यूज किया इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में भी, मैंने आपको यूज करके बताया।
चलो लेट्स गो अहेड। ये कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक पार्ट महाराष्ट्र बोर्ड बुक में से पढ़ के लाने को बोला था मैंने, वो उसके एप्लीकेशंस थे, क्या यूजेस होते हैं। ये तीन यूज है, तीनों यूज आपके बुक में दिए होंगे, हम क्विकली देखेंगे, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी होते हैं, वो भी उसमें थे, आपको पढ़ने थे। यूनिट कन्वर्शन करने के लिए, वन ऑफ द एप्लीकेशन वॉज यूनिट, लिखना नहीं अभी आपको, यूनिट कन्वर्शन करने के लिए था। देखो N1U1 इक्वल टू N2U2 सब लोग जानते हैं, तो U1 जो है और U2 जो है अलग अलग अगर यूनिट्स होंगे, अलग अलग अगर यूनिट्स होंगे, अलग अलग मतलब मान लो एक जगह केजी है, एक जगह ग्राम है, या एक जगह मीटर है, एक जगह सेंटीमीटर है, तो उस टाइम पे आप डायमेंशंस का यूज कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। जैसे 1 जूल इंटू अर्ग बोल रहे हैं, एनर्जी के डायमेंशन हम सब ने याद किए हुए हैं, 1, 2, -2। ओके, इनका जे स्मॉल चाहिए था, ये लोग गड़बड़ मिस्टेक करते रहते हैं कभी कभी, आपने मिस्टेक पकड़नी है। ये साइंटिस्ट का नाम है तो पूरे इसमें आप कैपिटल में नहीं लिख सकते, सिंबल में कैपिटल चाहिए, अदरवाइज स्मॉल लिखना है। ये हम जानते हैं, सीजीएस में ग्राम हो जाएगा और सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो इनके जैसा शॉर्टकट नहीं करूंगा मैं सही तरीके से आपको करके बता रहा हूं, ये ठीक है, शॉर्टकट भी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो N2 का आंसर आएगा कि जूल कितने अर्ग हो जाएगा, 1 जूल ये कितने अर्ग हो जाएगा, ये जब हमें आंसर निकालना है, 1 जूल कितने अर्ग हो जाएगा, ये जब हमें आंसर निकालना है, तो एक तरीका ऐसा है कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग के लिए, वो हाउ मेनी का आंसर, ये 1 जूल का 1 ले लो आप, और उसके साथ साथ डायमेंशन में, जैसे मास का डायमेंशन 1 था, लेंथ का डायमेंशन 2 था, ये 2 है ना, यहाँ पे गलती कर दी फिर से, और टाइम का डायमेंशन -2 था एनर्जी में, तो उसी से मल्टीप्लाई कर। जिस मास में ये 1000 क्यों लिया, क्योंकि 1 केजी 1000 ग्राम होता है, इसलिए मास में है ना, और लेंथ में 1 मीटर 100 सेंटीमीटर था, इसलिए 100 लिया। तो बस ये कैलकुलेशन हम कर लेते, देखो कितना आ रहा है, 1000 मतलब 10 to the power 3, उसकी पावर 1 हुई, और लेंथ में 100 मतलब 10 स्क्वायर है, उसकी पावर 2 हुई, और आगे 1 की पावर, 1 तो कोई होता ही नहीं है, 1 को तो कोई लेने की जरूरत ही नहीं है ना, 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आ रहा है, देखो 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 4, फिर से लॉज ऑफ इंडाइसेस, 3 + 4 = 7, तो 7 आ गया, N2 की वैल्यू आ गई 7, देयरफॉर 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग। ये हमने किया था यूनिट्स पर से पिछली बार, इस बार वो थोड़ा डायमेंशन का यूज करके बता रहे हैं आपको, है ना, मेथड अलग है, लेकिन हमें कोई भी मेथड से आ जाए काफी है। ठीक है, आया समझ में, परफेक्ट। चलो टू चेक द करेक्टनेस, आपको किसी ने फॉर्मूला दे दिया, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किसी ने आपको फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, तो आपको क्या पता है कि जहां जहां एडिशन हो रही है वो दोनों चीजें सेम टाइप की होनी चाहिए, उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए, तो चेक कर लेंगे आप। एस का डायमेंशन क्या, एस होता है डिस्प्लेसमेंट, याद होगा आपको, एस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब लेंथ होती है, इस फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट है तो यूटी तो लेंथ होगा। अच्छा, यू इंटू टी, यू क्या होती है, स्पीड होती है स्टूडेंट्स, U यहाँ पे स्पीड होती है, इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड बोलेंगे अभी, और T होता है टाइम, तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया, देखो उनके डायमेंशंस मल्टीप्लाई कर दिए, टाइम की पावर एक जगह -1 है, एक जगह 1 है, -1 और 1 ऐड होके टाइम की पावर हो गई 0, तो वो भी आंसर लेंथ आ गया, ये भी लेंथ था। ठीक है, आगे हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर में ए है
हाफ को तो कोई डायमेंशन नहीं है, ए है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का आपके पास है, टाइम का स्क्वायर है वो भी आ गया, लेंथ, मतलब क्या हो गया, ऑल टर्म्स आर सेम डायमेंशन, तीनों के तीनों टर्म सेम डायमेंशन की है, मतलब गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आ रही बात समझ में? लिखना नहीं है स्टूडेंट्स, आ रही है बात समझ में? तीनों के तीनों के डायमेंशन उन्होंने चेक किए, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तीनों के डायमेंशन सेम आने चाहिए, वही हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, मतलब सभी टर्म्स के डायमेंशन सेम आने चाहिए, जो जो एड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या इक्वेट कर रहे हो, ठीक है। बट इसका एक लिमिटेशन है, जिन्होंने होमवर्क पढ़ा है इसका एक लिमिटेशन है, अगर आपको देते थे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 380 स्क्वायर, तो ये भी डायमेंशनली क्या आता था, ये इक्वेशन भी क्या आता था, डायमेंशनली करेक्ट ही आता था ना स्टूडेंट्स, हाफ के बदले थ्री करते थे तो कांस्टेंट बदलने से ये इक्वेशन के डायमेंशन नहीं बदलते थे, तो डायमेंशनली करेक्ट, बट न्यूमेरिकली इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो गलत जवाब मिलेगा डिस्प्लेसमेंट का आपको, क्योंकि ये सही फॉर्मूला नहीं है, आप जानते हो न्यूटन्स लॉस के हिसाब से ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला गलत है, लेकिन गलत फॉर्मूला भी डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है, न्यूमेरिकली रॉन्ग आ रहा है, न्यूमेरिकली रॉन्ग है, न्यूमेरिकली रॉन्ग है लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है, तो इसका क्या मतलब हुआ, कभी कभी डायमेंशनली करेक्ट हो भी गया तो भी इक्वेशन न्यूमेरिकली रॉन्ग हो सकता है, तो ये करेक्टनेस चेक करने का लिमिटेशन हो गया, हम डायमेंशनली करेक्ट है ये चेक कर पा रहे, लेकिन एक्चुअली न्यूमेरिकली करेक्ट है कि नहीं है ये चेक नहीं कर पा रहे हैं। गुड, देखो जो लोग होमवर्क करके आ रहे हैं उनको बहुत फायदा हो रहा है, जिन्होंने महाराष्ट्र बोर्ड बुक में से मैंने जो पढ़ने को बोला था वो पढ़ के समझ के आ गए, उनको फटाफट समझ रहा है, 5 मिनट के अंदर थ्योरी हमारी हो गई, ये इंटरेस्टिंग है। इसको कल करेंगे स्टूडेंट्स, इसको कल करेंगे, टाइम अप हो चुका है, इसलिए विल डू इट टुमारो। चलो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो स्टूडेंट्स, बाय। यस बाय स्टूडेंट्स। मेरे पास वो अभी कैसी है पढ़ रहा था तो अभी तो मुझे ले लेना 290 लगा के छोड़ देना आएगा 290 बन जाए अभी आज 270 तक लेगा मान लेते हैं मेरे पास एचडीएफसी बैंक है उसके अलावा क्या है एचडीएफसी आप प्रॉब्लम नहीं देख रहे हैं अभी अभी मैं अभी देखूंगा तो 40 रुपये से मिल जाएगा ज़्यादा करने को ज़्यादा गेमिंग मेरा 400% आ रही है बंदर बैंक है इंडियन लाके दस्ते हैं मेरे पास क्लासिक है लेकिन अभी